नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। सतत विकास लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य जिनको अगर प्राप्त कर लिया जाए तो पूरी दुनिया से गरीबी को मिटाया जा सकता है। कोई भी भूखा नहीं सोएगा और सभी को पोषण युक्त भोजन मिलेगा और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद लैंगिक समानता हो सकती है, जिससे महिलाएं सशक्त होंगी और समाज के वंचित वर्ग और हाशिए पर रहने वाले लोगों को भी विकास के समान अवसर मिल सकेंगे। पूरी दुनिया इन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। खासतौर से अगर हम बात करें भारत की, तो भारतीय संसद और भारत सरकार तमाम ऐसी नीतियां, कानून और योजनाएं ला रही हैं ताकि देश के गरीबों का कल्याण हो, सभी को विकास का मौका मिले और महिलाएं सशक्त हों और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी काफ़ी अहम हो। तो आज के कार्यक्रम में बात सतत विकास लक्ष्य की। एक आदर्श दुनिया वो होती है जिसमें कोई भी भूखा ना सोए और सभी लोग शांति से रहकर स्वस्थ जीवन जी सके। सभी को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। लैंगिक समानता को प्राप्त कर महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण हो सके। सभी को जल और स्वच्छता की उपलब्धता हो और सभी को विकास के लिए समान अवसर मिल सके। सभी लोगों के सतत विकास के इन्हीं उद्देश्यों को देखते हुए साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात SDG तथा 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए थे। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरे करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। भारतीयों के लिए पर्यावरण संरक्षण, जो सतत विकास का अभिन्न अंग है, कोई नई अवधारणा नहीं है। भारत में प्रकृति और वन्य जीवों का संरक्षण अगाध आस्था की बात है, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिबिंबित होता है और पौराणिक गाथाओं, लोक कथाओं, धर्मों, कलाओं और संस्कृति में वर्णित है। हम सबका साझा संकल्प है कि विश्व शांतिपूर्ण हो, व्यवस्था न्यायपूर्ण हो और विकास सस्टेनेबल हो, तो गरीबी के रहते यह कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए गरीबी को मिटाना यह हम सबका पवित्र दायित्व है। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है, भारत सहित 193 देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में स्वीकार किया था और इसे 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सभी के लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना है और विकास के तीनों पहलुओं अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है। सतत विकास हेतु 17 विकास लक्ष्य है, पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा
और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा, देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना, सुरक्षित लचीले और टिकाऊ शहर और मानव वस्तियों का निर्माण, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेह पूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप ही हैं। भारत में हाल ही में संसद के द्वारा एक ऐसा विधेयक पारित किया गया है जिसमें महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जा रहा है, यानी महिलाएं घर चलाने के साथ अब देश भी चलाएंगी और देश की नीतियों में उनका योगदान काफ़ी अहम रहने जा रहा है। इसके साथ ही देश में गरीबी को मिटाने के लिए और गरीबों को मजबूत बनाने के लिए भी तमाम योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई गई हैं। बात हम करें अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो गरीबों को बैंकों तक पहुंचाया गया है और तमाम लाभकारी योजनाओं के पैसे सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। किसानों को मजबूत बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको क्रियान्वित कर भारत में सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत अग्रसर हो रहा है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिसमें मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा बजट आवंटन में भी बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ गरीबी को समाप्त करने से जुड़े अनेक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनेकों कार्य हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी और पर्यावरण के अनुकूल बेहतर जीवन जीने के लिए देशवासियों की इच्छा को पूर्ण किया जा सके। भारत सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए नीति आयोग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे देश के संघीय ढांचे में सतत विकास लक्ष्यों के संपूर्ण सफलता में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों में भी विभिन्न राज्य स्तरीय विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। योजनाओं का सतत विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल होना आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकारें सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। भारत सरकार
लंबे समय से सतत विकास के लक्ष्य पर अग्रसर रहा है और इसके मूलभूत सिद्धांत को अपने विभिन्न विकास नीतियों में शामिल करता रहा है। भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एजेंडा 2030 के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में गरीबी को दूर करने के उद्देश्य के लिए सबसे निर्धन वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी है। सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत विकास कार्यक्रम लक्ष्यों के अनुरूप हैं। भारत में 82 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। छोटे और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके अकाउंट में दिए जा रहे हैं। स्वनिधि योजना के तहत करोड़ों स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत श्रमिक वर्ग को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से ग्रामीण भारत के घर घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही है। तो आयुष्मान योजना से भारत के नागरिकों को 5,00,000 का स्वास्थ्य बीमा भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति लागू कर स्थानीय भाषाओं को प्रमुखता देते हुए रोजगार परक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। भारत लंबे समय से सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसके मूलभूत सिद्धांतों को अपनी विभिन्न विकास नीतियों में शामिल करता आ रहा है। हाल के विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बावजूद विकास की अच्छी दर बनाए रखने में भारत सफल रहा है। हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ, जिसमें पूरी दुनिया के मजबूत देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने शिरकत की। इस सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गहन चर्चा हुई और नई दिल्ली घोषणा पत्र में इसकी जरूरत पे जोर दिया गया। खासतौर से कोरोना महामारी के अनुभव ने पूरी दुनिया को सतत विकास लक्ष्य को लेकर जागरूक बनाया है और भारत की भूमिका को भी इसको लेकर काफी सराहा गया है। G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत उपलब्धियों को हासिल करने के उपायों के साथ भूख और कुपोषण को खत्म करने पर ध्यान दिया गया है। साथ ही खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने, वित्त और स्वास्थ्य के बीच समायोजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और SDG लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संस्कृति का उत्प्रेरक के तौर पर इस्तेमाल प्रमुख है। भारत मानता है कि COVID-19 के हानिकारक प्रभाव ने कार्रवाई के मौजूदा दशक को रिकवरी के दशक में बदल दिया है। इसको देखते हुए भारत ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए G20 के प्रयासों की फिर से प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित किया है। G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र में कहा गया है कि 2030 के मध्य बिंदु पर SDG पर वैश्विक प्रगति सिर्फ 12% रही है। वर्तमान दशक में सभी G20 की शक्तियों का लाभ उठाएंगे, समयबद्ध तरीके से SDG लक्ष्यों को पूरा करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को वैसी दुनिया दे सके जैसा हम चाहते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं पोषण पर G20 डेकन उच्च स्तरीय सिद्धांत 2023 के लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास फंड के सदस्यों के जरिए खाद्य असुरक्षा के खिलाफ लड़ाई की बात कही गई है। वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने का संकल्प भी लिया गया है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहयोग लिया जाएगा। महामारी से निपटने और संक्रामक रोगों की निगरानी के लिए तंत्र को मजबूत करने की दिशा में भी काम करने का संकल्प लिया गया है। G20 देशों के प्रमुखों की मेजबानी करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसके तहत G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों व पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई।
इस शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद था, जो वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय दर्शन से प्रेरणा लेता है। G20 और आमंत्रित देशों के दुनिया भर के संसदीय अध्यक्ष और सांसदों ने 12 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में लाइव पर संसदीय फोरम पर्यावरण के लिए जीवन शैली की बैठक में सतत जीवन शैली को आगे बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण के विषय पर ठोस निर्णायक वैश्विक कार्य योजना आज समय की मांग है। सभी प्रतिनिधियों का मानना था कि पर्यावरण किसी एक देश का विषय नहीं है, बल्कि हम सबकी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है। हम इसके लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करें जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपयोगी हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस मिशन को G20 समूह के सभी देशों की संसदों का भरपूर समर्थन मिला। G20 शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें वैश्विक विश्वास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा और मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा। ये शांति, भाईचारे और साथ मिलकर आगे बढ़ने का समय है। ये समय सबके विकास का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप 9वें P20 शिखर सम्मेलन का विषय भी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद है, जिसे एक परिवार एक भविष्य की भावना के साथ देखना होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। G20 शिखर सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ चलते हुए भारत में ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के अनुरूप है। हमने SDG इंडिया इंडेक्स तैयार किया है, जो SDG की प्रगति के आकलन के लिए सरकार के नेतृत्व में समय समय पर इस इंडेक्स का दुनिया के साथ तुलनात्मक अध्ययन करता है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की भावना के अनुरूप राष्ट्रव्यापी कल्याण और विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन किए हैं। एक्सलेंसी, हम SDG के एजेंडा 2030 उपलब्धियों एवं तीव्र प्रगति विषय पर विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में कई देशों के संसदीय अध्यक्षों ने सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति और उनके देशों में हो रहे प्रयासों पर अपने अपने विचार रखे। The achievement of SDGs so far has been affected by unprecedented challenges on multiple fronts, such as war, rising geopolitical tension, climate change and uneven recovery. All are interlinked and demand urgent solutions. In addition, the SDGs slow progress was rooted in the unjust global order. To address this issue,
We need to create more inclusive world order. Our project is far from complete. Progress on the agenda, sustainable development goals, or SDGs has even been uneven. Only a minority of our targets are on track. Nearly a third have stalled or even reversed. At this rate, we leave many behind. Why? Well, in a part, we have faced blockages that we did not anticipate in 2015. We have also learned lessons along the bumpy road. First, we faced the COVID-19 pandemic, which we claimed some 7 million lives and dramatically impacted economy development. For the first time in decades, global poverty and inequality rose. This underlined the importance of coordinating on warning systems and vaccines. It became clear just how much SDGs on good health and well-being, so the number three, mattered for the first and most fundamental of our goals. In the South African context, we have the National Development Plan, which has a 74% convergence with SDGs and priorities of job creation, the elimination of poverty, the reduction of inequality, and growing an inclusive economy by 2030. In terms of publicly available data, South Africa stands at 64% of the overall score, which measures the total progress towards achieving all the 17 SDGs. At the very core of the SDGs lies an unwavering pledge to leave no one behind, accelerating action towards the realization of the SDGs requires concerted efforts from governments, businesses, civil societies, and individuals. Nigeria's dedication to the SDGs extends beyond mere rhetoric, as in 2015, Nigeria embarked on a comprehensive transition strategy from the Millennium Development Goals to the SDGs. It seeks to build on the gains made from 2016 to 2020, scaling up implementation between 2021 and 2025, and accelerating progress between 2026 and 2030 to guarantee that no Nigerian is excluded from the journey towards sustainable development. P20 G20 देशों के प्रभावशाली संसदों का एक समूह है, जिनकी वैश्विक नीति निर्माण और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सम्मेलन में सभी देश इस बात पर सहमत हुए कि वे सतत विकास लक्ष्य, महिला नेतृत्व वाले विकास, हरित ऊर्जा और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए मिलकर साथ काम करेंगे। P20 शिखर सम्मेलन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रमुखता की पुष्टि की है। गरीबी, असमानता, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है। लोकतंत्र की जननी भारत में तमाम अवरोध के बाद भी संसदीय लोकतंत्र कामयाब है और गरीबों और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। देश के राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग से आने वाली महिला है, जो आजाद भारत में पहली बार हुआ है। जनता के भारी बहुमत से लोकतांत्रिक तरीके से दो बार चुनकर देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो अपने शुरुआती जीवन में रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचकर जीवन यापन करते थे। सतत विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए भारत सरकार और संसद लगातार प्रतिबद्ध है और समाज में इसके परिणाम दिखने भी शुरू हो गए हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख ही नहीं रही, बल्कि भारत सरकार द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है उसकी सराहना भी कर रही है और उसे अपने देशों में अपनाने की बात भी कर रही है। भारत में 140 करोड़ की आबादी है और भौगोलिक विषमता है, उसके बावजूद भारत में संसदीय लोकतंत्र कामयाब है और यहाँ पर
सत्ता की चाबी समाज के वंचित वर्ग और गरीब लोगों के हाथ में है। हम इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम से विदा लेते हैं कि जल्द ही सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा और पूरी दुनिया में समानता का भाव आएगा। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।